लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। सिग्निफिकेंस लेवल को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, टाइप वन एरर जिसे हम बोलते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल ये होता है, प्रोबेबिलिटी इसकी डेफिनेशन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यानी एक नल हाइपोथेसिस जो ट्रू होता है आप उसको इनकरेक्ट रिजेक्शन उसकी करते हैं, पहली जो टाइप वन एरर है, इसको हम सिग्निफिकेंस लेवल भी बोलते हैं। वहाँ पे भी हमने पढ़ा था, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 यानी 5%, इसका मतलब ये होता है रिस्क ऑफ कंक्लूडिंग दैट अ डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस, यानी कि रिसर्चर कह रहा होता है कि डिफरेंस है, इसको बीमारी है, हालांकि बीमारी नहीं होती। वो कह रहा है द डिफरेंस एग्जिस्ट, यानी वो बीमारी का कह रहा है, टाइप वन एरर यही है ना कि बीमारी होती है, वो कहते नहीं है, ठीक है। तो द डिफरेंस एग्जिस्ट व्हेन देयर इज नो एक्चुअल डिफरेंस। टू पुट इट इनटू अनदर वे वी कैन से दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट इन मेकिंग द करेक्ट डिसीजन, यानी 5% रिस्क से मुराद ये है कि 95% हमें तसल्ली होती है, तो 95% प्रोबेबिलिटी होती है कि हम जो रिजेक्ट या एक्सेप्ट करें या ठीक करें। तो सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा भी बोलते हैं। ये इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एविडेंस दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन योर सैंपल बिफोर यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट इफेक्ट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ये वैसे हम कैलकुलेशन से करते हैं, आप इसकी डेफिनेशन याद रख लें। तो वैसे हम इसको ना पी वैल्यू कैलकुलेट हम करते हैं, तो पी वैल्यू की कैलकुलेशन का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो पी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, फिर एक टेबल की पी वैल्यू होती है। तो अगर तो आपकी पी वैल्यू, कंपेयर योर पी वैल्यू टू योर सिग्निफिकेंस लेवल, अगर आपकी वो पी वैल्यू आपके सिग्निफिकेंस लेवल से कम आए तो आप रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, ठीक है, और आप कहते हैं कि हाँ जो आपने रिजेक्ट किया था ये वाकई ठीक किया था। उसके बाद है कॉन्फिडेंस लेवल। अब कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल हमने कहा कि आपकी टाइप वन एरर है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, एक रिसर्चर कितना कॉन्फिडेंट होता है कि जो उसने डाटा ऑब्टेन किया है उसमें उसने कोई टाइप वन एरर कमिट नहीं किया, उसने बिल्कुल सही डाटा ऑब्टेन किया है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल में वो ये देख रहा होता है कि उसने जो डाटा ऑब्टेन किया है वो बिल्कुल ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कमिटिंग द टाइप वन एरर, ठीक है। द कॉन्फिडेंस लेवल इज द परसेंटेज ऑफ द टाइम यू एक्सपेक्ट टू गेट क्लोज टू द सेम एस्टिमेट यू रन योर एक्सपेरिमेंट अगेन एंड रीसैम्पल द पॉपुलेशन इन द सेम वे, यानी 95% सपोज हम कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसका मतलब 5% चांस है रॉन्ग होने के। ये हमें बताता है 5%, ये नॉर्मल 5% 1% हम लेते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर 5% है तो इसका मतलब 5% रिस्क है गलती का। ये 95% है कॉन्फिडेंस लेवल, तो इसका मतलब ये होता है कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। 95% क्या होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो इंटरवल हमने ये सिग्निफिकेंस लेवल लेते हैं ना कि 5% चांस है, 7% चांस है, 10% चांस है, तो अब इसकी बाउंड्री होती है। जैसे 95% हम ले रहे हैं तो 96 से 100 तक ये जो है हमारी एक इंटरवल, एक गैप बनता है कि 96 हो सकता है, 97 हो सकता है, 98 हो सकता है, 99, 100, यानी 100% वैसे कोई भी डाटा ठीक नहीं होता, ह्यूमन एरर हर जगह होती है। तो 95, 6, 7, 8, 91, ये हम 9% भी लेते हैं, 1% भी लेते हैं, मिनिमम 1%, मैक्सिमम 9% लेते हैं, ठीक है। ये जो इंटरवल लेते हैं, यानी 9 ले सकते हैं, 91 से 100 ले सकते हैं, 96 से 100 ले सकते हैं, ये हम इंटरवल इतना रखते हैं, 5 का या 10 का, इनके इन बिटवीन हम रखते हैं। तो सादा अल्फाज में आप यूँ समझेंगे सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, ये आपका रिस्क होता है कि आप जो गलती करेंगे या आपका डाटा इनकरेक्टली आता है तो वो 5% हम नॉर्मल हमारा ये होता है, ठीक है। तो यानी सिग्निफिकेंस लेवल आपका रिस्क ऑफ मिस्टेक या एरर कमिटमेंट है, ठीक है, जबकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका ये है। अब 100 में से आप 5% आपका रिस्क है तो 95% इसके मतलब आपका डाटा ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बताता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं कि आपका डाटा करेक्ट है, ठीक है।